एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ट एंड सोल। आई एम गरिमा, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट और सीरियस इसलिए है क्योंकि आपके आगे के 5-10 साल ये उस पर डिपेंड करेंगे कि आप आगे और क्या करने वाले हो, आप इस पर परस्यू करोगे। बिकॉज एक बार आप उस पाथ पे चल लिए, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। बीएमएस वर्सेस बीडीएस डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिसीजन है कि आपको बीडीएस करना चाहिए या बीएमएस करना चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये डिसीजन आपको लेने का हक है क्योंकि पूरे साल आपने मेहनत की है, आपने जी जान लगाई है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आपके बिहाफ पे आपके लिए डिसीजन लेने नहीं आई हूँ, बस आपके लिए चीज थोड़ी सी इजी करने आई हूँ, थोड़ा बता के कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो। आपको देखना है ये कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसा चाहते हो, आप किस चीज के बारे में पैशनेट हो। दूसरी चीज ये है कि कोई भी आप कोर्स करो, सब अच्छे ही होते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं अकेडमिक्स में, आप अपने स्किल डेवलप कर रहे हो कि नहीं उस कोर्स से, उस डिग्री से रिलेटेड जो भी है, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, आप जो पूरा टेन्योर है कोर्स का आप उस पे अपनी ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। और अच्छी चीजों की और अच्छे स्किल्स की डिमांड आजकल हर जगह है, हर फील्ड में है। तो अगर आप कोई भी चीज अच्छे से करते हो तो आपकी डिमांड होगी, आपका फ्यूचर अच्छा होगा ही। BDS is an undergraduate degree which focuses on training and education in dental sciences and surgical procedures. Duration is of 5 years in total, which includes 4 years of classroom program and 1 year of rotatory internship. On the other side is BMS, which is about traditional Indian medical system. Duration is of total 5.5 years, which includes 4.5 years of classroom program and 1 year of internship. BDS में जो पहले 3 साल होते हैं वो MBBS के सिमिलर होते हैं, बट दे फोकस ऑन हेड एंड नेक। तो जो फाइनल ईयर होता है, दे हैव कोर डेंटल सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर, और फिर होती है आपकी 1 साल की इंटर्नशिप। वही BMS में आपके पास आयुर्वेदा सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके हम मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, जैसे शारीर रचना है तो उसका एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, क्रिया शारीर है तो हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। ऐसे करके थ्रू आउट जो भी आपका 4.5 क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें आपका आयुर्वेदा और मॉडर्न साथ साथ में चलता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो चाहे BDS हो या BMS हो, आपकी फीस कम ही रहती है, फिर चाहे वो ट्यूशन फी हो या आपकी हॉस्टल फी हो। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो 5 साल के हिसाब से BDS की जो फीस जाती है वो 10 लाख to 30 लाख की रेंज में जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो BDS के बाद आप PG कर सकते हो, आपको नीट MDS क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए, आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप अकेडमिक करियर अपना चूज कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स जितने बच्चे निकलते हैं उसके कंपेरिजन में काफी कम है, ऐसा मैंने सुना है। और इतना यूजुअली हम सुनते भी नहीं है कि मतलब कोई मतलब डेंटिस्ट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। यूजुअली हम यही देखते हैं कि किसी ने अपना क्लिनिक खोल लिया है जो कि बहुत अच्छा भी चलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो क्लिनिक है वो यूजुअली अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या कोई पहले से ही आपका फैमिली में नहीं है तो क्लिनिक सेटअप करना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। एक एक इंस्ट्रूमेंट काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए पूरा क्लिनिक सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूजुअली लोग किसी के अंडर जाके पहले काम करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपको 10 to 15 thousand तक मिलता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखने के बाद फिर अगर कुछ लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं वो। अगर हम बात करें BMS के बारे में तो आप उसमें भी PG कर सकते हो थ्रू AIA PGET, आप MS कर सकते हो, आप MD कर सकते हो, तो सर्जरी भी अलाउड है, आप अकेडमिक करियर में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो, AMO MO, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको BMS के बारे में एक और डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो है जो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ ऑल अबाउट BMS करके, तो आप उस पे जाके देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर BDS वर्सेस BMS। अगेन ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप किस चीज के लिए आपका पैशन है। मैं जब ये वीडियो बनाई थी उसके पहले मैंने काफी सारे वीडियोज देखे थे, काफी कुछ देखा था कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे सकूं ताकि आपके लिए थोड़ा डिसीजन लेना इजी हो जाए।
तो अगर कुछ कम रह गया हो या कुछ और डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.